हमने आपसे पहले वीडियो में जो चर्चा की थी नज़र के बारे में, आज हम दूसरे विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधी मिले। तो विषय जो है वो ये है कि क्या आपके शरीर में भूत रहते हैं? अगर हैं या नहीं, इसका फैसला आप करेंगे। मैं आपको कुछ दिक्कत परेशानियों का जिक्र करके बता रहा हूँ कि ये जो परेशानियाँ जिस शरीर में होती हैं उसके अंदर मृत आत्मा अवश्य होती है। परेशानी नंबर एक, कलेजे में दर्द की शिकायत का होना। जिस शरीर में मृत आत्मा होती है उसमें कलेजे में दर्द अक्सर रहेगा, जैसे मानो कोई स्विच हो रहा है या नाखून खरोंच रहा है या पकड़ के खींच रहा है, ऐसा महसूस होगा। दिक्कत नंबर दो, डरावने सपनों का आना। जब भी किसी को डरावने सपने आए और वो सपनों से डर जाए तो ये मानो कि वो ऊपरी हवा के प्रकोप से प्रभावित है। दिक्कत नंबर तीन, कंधों के अंदर वजन का होना। जब भी कंधों में वजन जैसा महसूस हो या आलस जैसा लगे तो ये भी एक कारण होता है। चौथे नंबर पे हम पिंडलियों में दर्द की शिकायत का होना। घुटने से नीचे पिंडलियों में जो दर्द होता है ये भी ऊपरी हवा के कारण ही होता है। और नंबर तीन के बाद में चार नंबर पे हम लोग कहेंगे कि आदमी या औरत जो भी है उसको सपनों के बारे में, पिंडलियों के बारे में या जो कंधों में वजन है इसके बारे में किसी अच्छे आदमी से विचार कर लेना चाहिए, गुणी आदमी से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत आत्मा शरीर में होने का आभास कराती है। इन्हीं विचारों पे मैं दोबारा फिर से कहूँगा कि आप मृत आत्मा को अपने शरीर से हटाएं। इस विषय में कोई जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपका आभारी रहूँगा कि आप मुझसे विचार करेंगे और मैं आपकी समस्या में आपके साथ रहूँगा। आने वाले समय में जो मेरे वीडियो आपको सीधे मिलें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं और अपनी समस्या से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए मुझसे मिलिए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता की।